नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष गोयल फ्रॉम फाइनटेक रिसाइकलिंग प्राइवेट लिमिटेड आज आपके साथ कुछ और वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो अगेन रिलेटेड टू ई वेस्ट है। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज जो डिवाइड करी गई है, रूल्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट नेम्स जो दिए गए हैं, उसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहूँगा। कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, इसमें फर्दर डिविजन किया गया है। लाइक नंबर वन इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। इसके अंदर ITW1 में जो पार्ट कवर होते हैं, ITW1 टू ITW27। उसके बाद सेकंड कैटेगरी आती है कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड फोटोवोल्टिक पैनल्स। इसमें जो डिफरेंट कैटेगरी लाइक जो हम कंज्यूमर यूज़ कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, एयर कंडीशनर है, CEW1 टू CEW19 इसमें कवर किया जाता है। इसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है लार्ज एंड स्मॉल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लाइक डीप फ्रीजर, स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज, क्लॉथ ड्रायर, बिग इक्विपमेंट्स, जो कि घरों में पहले ये पार्ट रूल में कवर होते हैं 2022 के अकॉर्डिंग, और 1 अप्रैल 2023 से रिलेटेड जो इनसे रिलेटेड कोई इक्विपमेंट मंगाता है या मैन्युफैक्चरर कर रहा है तो वो इसका पार्ट है। ये है लार्ज एंड स्मॉल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, LSEW1 से स्टार्ट होते हैं। और फर्दर कैटेगरी के अकॉर्डिंग LSEW34 तक ये चालू रहते हैं। उसके बाद अदर है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक टूल्स विद द एक्सेप्शन ऑफ लार्ज स्केल स्टेशनरी इंडस्ट्रियल यूज। इसमें वो टूल्स जो कि डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज में, गार्डनिंग में यूज हो रहे हैं, डिफरेंट कारपेंटर्स यूज कर रहे हैं, वो आते हैं एक्सेप्शन के साथ। लार्ज स्केल स्टेशनरी इंडस्ट्रियल यूज टूल्स एक्सेप्टा, इसमें आते हैं ETW1 टू ETW8। उसके बाद आते हैं जो बच्चे खिलौने खोलते हैं, डिफरेंट टाइप के और इक्विपमेंट है, टॉयज, लीजर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। ये अगेन है TLSEW1 टू TLSEW6। उसके बाद आती है एक और कैटेगरीज जो ये सब पार्ट कवर हो रहे हैं, जो हमारा रूल 1 अप्रैल 2023 से इम्प्लीमेंट हुआ है। ये ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 है। इसमें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया है, जिसके अकॉर्डिंग टॉयज की अलग कैटेगरी आ गई, मेडिकल इक्विपमेंट की अलग आ गई, लार्ज स्केल इंस्ट्रूमेंट की अलग आ गई, फोटोवोल्टिक की अलग आ गई। ये है मेडिकल डिवाइसेस विद द एक्सेप्शन ऑफ ऑल इम्प्लांटेड एंड इन्फेक्टेड प्रोडक्ट्स। इसमें रेडियोथेरेपी आ गई, MRI आ गई। इसका कोड है MDW1 टू MDW10। उसके बाद डिफरेंट अलग इंस्ट्रूमेंट है, एक और कैटेगरी है लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें गैस एनालाइजर एंड इक्विपमेंट हैविंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, इन्हें डिवाइड करा है LIW1 टू LIW2। तो डिफरेंट कैटेगरी अकॉर्डिंग जो जो उस प्रोडक्ट की नेचर है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को डिवाइड करा गया है। अब जब भी आप फॉर्म भरें EPR से रिलेटेड, तो CA सर्टिफिकेट लगेंगे या सीकिंग लेटर लगेगा, सीकिंग EPR लेटर, तो उसमें आपको इनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डालना पड़ता है। कई बार एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट हो जाती है कि हम उसे प्रॉपर भर नहीं पाते, तो इसलिए हम कंप्लेन करते हैं कि ऑफिसर ऐसे हैं, काम नहीं हो पा रहा, पर हम अपनी कमी नहीं देखते कि हमने जब प्रॉपर एप्लीकेशन ही नहीं भरी तो हमारा EPR कैसे आएगा। और कोई कंसल्टेंट है, उसका EPR आने का कारण ये है कि उसे वो पता है उस एप्लीकेशन में क्या क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना। तो उससे रिलेटेड जो जो किस कैटेगरी का पार्ट है उस कैटेगरी को आपने डिफाइन करना है, उसके अकॉर्डिंग CA लेटर बनेगा, सीकिंग एप्लीकेशन बनेगी, वो आपके इसमें अटैचमेंट में जाती है। तो आप डिफरेंट टाइप की वीडियो हमारी देखते रहिए, उसके अकॉर्डिंग आप फाइल भरिए, और फिर भी कोई डाउट आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।